तो दोस्तों ये जो सांप है ये बिल्कुल बिना जहर का होता है, हालांकि साइंटिफिक बात हम बोले तो मिडली वेनमस में आता है, लेकिन अगर इंसान को ये काटता है तो इसका इंसान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सभी लोग ध्यान रखें। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो है लोग मार देते हैं इसको, कोई भी यही जो मैंने आपको अंधविश्वास बताया कि लेडीज़ के पीछे दौड़ता है, पैरों में लपेट के नीचे गिरा देता है, काटता है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसको बाड़मेर में मार दिया जाता है, ठीक है। जबकि मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस सांप को कोई मारे नहीं, ठीक है, ये इसमें जहर है ही नहीं ऐसा, मतलब जब आप असर नहीं होता तो उसको यही बोलेंगे भाई असर नहीं होता तो आपके लिए बिना जहरीला, ठीक है। काफ़ी प्यारा सांप है, हर जगह मिलता नहीं है, हमारे रेगिस्तान में जो सांप मिलते हैं वो भारत के दूसरे हिस्से में नहीं मिलते, इसलिए काफ़ी लोग जो है साइंटिस्ट है हमारे बाड़मेर जैसलमेर में इन्हीं की वजह से आता है, ताकि जो यहाँ के सांप है इनकी जानकारी ले, क्योंकि यहाँ वाला जो सांप है यहाँ जो मिलते हैं वो अदर जगह पर नहीं मिलते, तो हम काफ़ी मतलब हमारा सौभाग्य है कि ये सारे सांप यहाँ पे है, जिसके लिए पूरी दुनिया खोज करती है या दूसरे साइंटिस्ट भी यहाँ पे आना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि किसी भी प्रकार के सांप को नहीं मारे, क्योंकि यहाँ पे जो सांप पाए जाते हैं वो दूसरी जगह नहीं पाए जाते, तो हमारा ये सौभाग्य है कि ये सारे सांप यहाँ पाए जाते हैं। इस तरह का सांप अगर कहीं नज़र आता है तो उसको बिल्कुल नहीं मारे और उसको अपना रास्ते जो है वो जाने दे। ये ज़्यादातर केर के मतलब पेड़ों वगैरह पर मिलता है, उसका भी कारण है ये पेड़ से आसानी से गिरता नहीं है, आपको अगर नीचे क्रीम कलर की पट्टी दिख रही हो, ठीक है, इसको बोलते हैं किल, नॉट किल, मारना वाला किल नहीं है ना, किल, ठीक है, इससे इसको अच्छी ग्रिप मिलती है, ये अच्छा पेड़ों पे चढ़ सकता है, गिरता नहीं है, जो शिकार होता है वो आसानी से कर सकता है। तो अगर वापस से दोबारा निवेदन करूँगा कि इस तरह का कोई भी सांप दिखे तो उसे मारे नहीं। धन्यवाद।